आज की हेडलाइन और खास खबरों पर एक नजर। परंदा ढाबा के संचालक ने की आत्महत्या। महिला दिवस के मौके पर भाजपा नेता चित्रा वाघ ने सरकार को महिलाओं के मुद्दे पर घेरा। नौकरी लगाने के नाम पर 5.46 लाख की ठगी। नया बनेगा 5 पावली पुल, 2 वर्ष में काम होगा पूरा। सही फॉरेंसिक जांच नहीं होने से छूट रहे शिकारी। आपली बस में लगी आग, चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे 4 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई। शहर में महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बड़े उत्साह के साथ यह दिन मनाया। महावितरण ने ग्राहकों के लिए शुरू की अभय योजना। 1 मार्च से 31 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी अभय योजना। और अब हेडलाइन समाचार विस्तार से। गिट्टी खदान परिसर में मंगलवार की दोपहर चलती हुई आपली बस में आग लग गई। दोपहर 3:30 बजे के दौरान आपली बस के चालक रुपेश जीवनकर और कंडक्टर रोशन बोकड़े काटोल रोड से सवारियां लेकर सीताबर्डी की तरफ जा रहे थे, तभी इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। पूरी बस जलकर खाक हो गई। यात्रियों को समय रहते बस के नीचे उतार लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ। सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि कोरोना काल में आशा सेविकाओं ने अपनी जान खतरे में डालकर स्वास्थ्य सेवा संभाली है। सरकार ने घोषणा की थी कि उन्हें 35 रुपए प्रतिदिन मानधन अनुसार बढ़ा कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। प्रत्येक महिला की इज्जत ही इज्जत है आणि तिच्यासोबत वाईट प्रकार करणाऱ्याला कधीही पक्षाचा कामा नाही, कुठल्याही पक्षाचा असतो। एवढं तरी प्रामाणिक आपण महिलांची राहायला पाहिजे। बाई गेल्यानंतर ती मुलगी आत्महत्या करते, ती बाई स्वतःला संपवून टाकते, मग आम्ही सगळेजण रस्त्यावर उतरतो, आंदोलन करतो, फिती लावतो, घेराव बांधतो, मेणबत्त्या घेऊन मार्च काढतो। पण जर बाई जिवंत असेल तो राज्य सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, बावजूद चोरी छिपे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनपा के MDS दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले 4 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान 5 पावली फ्लाईओवर पुल की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने आश्वासन दिया कि नागपुर नगर निगम की सीमा के भीतर 5 पावली फ्लाईओवर पर नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, यह काम 2 साल में पूरा हो जाएगा।